हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम आप लोग की चल रही है और आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे बाकी सब्जेक्ट में आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए थे उसी तरह का इंग्लिश का भी प्रोवाइड कीजिए। तो सो फाइनली बच्चों मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं जो कि तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए आईएससी आईकॉम एंड आईए। तो देखिए जो बच्चे एग्जाम दे दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास में आपको एंड तक बने रहना है या इसका आंसर क्यू को आप लोग नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। तो बाबू ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग काफी हो रहे थे कि सर जो है कैसे हम लोग पास कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप सेंटअप एग्जाम पास आउट नहीं करते हैं तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा है ना अलग अलग डे पे अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है अलग अलग कॉलेज में, ठीक है। तो आप लोग का पेपर अगर ऑब्वियसली अगर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल आपको घबराना नहीं है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल अच्छे से जो है ना पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। आप लोग जो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हां, पेपर को सॉल्व करने से पहले आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये काम करना, आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको जो खुद से आंसर देने का कोशिश करने का है, ठीक है। उसमें से आप लोग इसमें 100 क्वेश्चन होगा, 100 में से आप खुद से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मात्र आपको मार्कशीट पर 85 क्वेश्चन तो आपको फिल करना ही होगा। देखिए सारा चीज आपको सेम टू सेम हुबहू आपका यही पेपर रहने वाला है। बच्चों आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग काफी परेशान थे कि सर हम लोग पास कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए, इसलिए जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बाबू आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको जो है शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए जितने सारे पेपर है आप लोगों को सबसे पहले हम मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को पता है 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको मात्र मार्कशीट पर कितना 50 प्रश्न का ही आपको जो है आंसर देना है। कितना का देना है? 50 प्रश्न का ही देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, द गर्ल्स वेयर पेंटिंग द बॉक्स। आपको यहां बताना क्या, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको इसको बताना इसका। तो पैसिव वॉइस की अगर बात करें बच्चों तो इसका आंसर आपका द बॉक्स वॉज Being painted by the girls, यानी ऑप्शन आप लोग का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग आंसर को जो है नोट करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि the principal said to him call the guard। आपको बताना इसमें से चूज द करेक्ट आपको इनडायरेक्ट नरेशन, आपको बताना इसमें से इनडायरेक्ट नरेशन आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की अगर बात की जाए बच्चों तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहा है, द प्रिंसिपल है ना ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द गार्ड, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 2 का यानी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल बाबू आपका सही आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा कोई क्वेश्चन, तो आप घबराइएगा नहीं, ए बी सी डी करके आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बाबू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें द एंटोनिम ऑफ द क्लियर का आपको बताना है, इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसका बात की जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसका नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ही डेज डेज द वर्क यस्टरडे, आपको इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा, डन होगा, डिड होगा, डू होगा, डूइंग होगा। तो बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर की अगर बात की जाए बच्चों तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डिड, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, द टाइगर है ना मैड अ डेज डेज अटैक, है ना। तो यहां थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा है, मेडी होगा, है ना, डेज डेज अटैक, यहां आपको क्या बताना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ये बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएंगे। चलिए तो इसका आंसर की अगर बात की जाए बच्चों तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और आपको जो है साफ दिखेंगे, ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, वेयर डेज डेज यू गोइंग टू गोइंग दिस है ना इवनिंग। तो बताइएगा इसका आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, हैव लगेगा, डिड लगेगा, वेयर लगेंगे, आर लगेंगे। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका यहां जो लगेगा आर लगेगा, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, आर लगेंगे, ठीक है, यानी वेयर आर यू गोइंग दिस है ना इवनिंग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। चलिए एकदम आराम से देखना है क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, इसमें से आपका करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें बच्चों तो एवरी चाइल्ड लाइक्स अ चॉकलेट, यानी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, ही डेज डेज फिश फॉर लंच, है ना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, है ना, 8 होगा, वाज इट होगा, या इटिंग हो जाएंगे, या वुड बी इटिंग हो जाएंगे। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, इसका आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है ट्राई टू रीच द विलेज, है ना, डेज डेज सनसेट, तो बताइएगा चूज दे आपको इसका यानी करेक्ट आपको यानी प्रीपोजिशन चूज करना है। प्रीपोजिशन क्या लगेंगे, बिफोर लगेंगे, फ्रॉम लगेंगे, फॉर लगेगा या ऑफ लगेंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर की अगर बात की जाए बच्चों तो इसका आंसर आपका बिफोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। व्हाट डिड डेज डेज से अबाउट द About this work, है ना, this work ही होगा लिखा हुआ, थोड़ा सा यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन है, आपको चूज करना है क्या कौन सा लगेगा आपका, यानी मी लगेंगे, देयर लगेगा, देम लगेंगे, सी लगेगा बाबू। तो देखिए इसमें आपका क्या लगेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होगा बच्चों आपका सी लगेंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग डी लगा रहे हैं, है ना, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर क्वेश्चन। वी विल वर्क ऑन द, है ना, कंप्यूटर, डेज डेज आपको चूज द करेक्ट, आपको यानी ये बताना ऑप्शन चूज करना इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर ऑप्शन सी होगा, तो यहाँ बिल्कुल इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, अंटिल द कम बैक, है ना, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ही आस्केड, है ना, मूव हेयर लिव्ड, यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन वही है, ही आस्केड मी, है ना, आस्केड मी हेयर लिव्ड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल इसका मूव होगा, यहाँ सॉरी मूव लिखा हुआ आई थिंक, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपको देखिए, तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ऑप्शन आपको याद रखना है 12 नंबर क्वेश्चन का, आपका सेम टू सेम हूबहू यही आपका पेपर है, है ना। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, चीजें नोट कर लीजिएगा एकदम, है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द आपको करेक्ट आपको स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें से आपका जो है ना करेक्ट वर्ड आपका जो है कौन सा है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना बाबू, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे। चलिए तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या आ रहा है ना, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये आपका जो स्पेलिंग इसका एस ए बी ओ टी ए जी, ये जो है बिल्कुल क्या है, इसका स्पेलिंग जो है सही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, विनिंग द कंपटीशन वाज डेज डेज, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, है ना, विदाउट एनी सीक्रेट, है ना, अबव बोर्ड, या आपको यानी क्या होगा, यानी हाँ एडेड फ्यूल फेदर इन द कप, तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे आ गया, एकदम थोड़ा सा अगर धुंधुला दिखेंगे तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मुझे लगता है साफ ही दिखता होगा, ही फेल एंड वाज टेकन टू डेज डेज हॉस्पिटल, है ना, चूज द आपको करेक्ट आर्टिकल आपको यहाँ जो है फिल करना है, तो आर्टिकल आपका जो है क्या लगेगा यहाँ, चलिए तो कौन सा आर्टिकल लगेगा बच्चों, तो इसका आर्टिकल की अगर बात करें तो ए लगेगा यहाँ, है ना, हॉस्पिटल है तो ए लगेगा, है ना। चलिए आगे देखिए, सी हैज गोट अ लॉट ऑफ बुक्स डेज डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है ना, डज सी लगेंगे, डजंट, है ना, सी लगेंगे, या हैवेंट सी लगेंगे, या हैजंट सी लगेंगे, तो बताइएगा इसका हैज नॉट सी लगेंगे, क्या लगेगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है, तो इसका डज नॉट सी लगेंगे बच्चों, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर क्वेश्चन, आई इट राइस डेज डेज माई हैंड, चूज द आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको लगाना है, फ्रॉम लगेंगे, एट लगेगा, विथ लगेंगे, फोर लगेंगे, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का इसमें आर्टिकल जो लगेगा विथ लगेंगे, ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, विथ लगेंगे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इट इज ए डेज डेज ऑफ टाइम, चूज द करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है, इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर वेस्ट लगेंगे बिल्कुल, इसका ऑप्शन आपका बच्चों डी राइट आंसर लगेंगे, ठीक है। चलिए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस, यहाँ आपको चूज करना है इसमें से करेक्ट सेंटेंस यानी कौन सा है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो आई एम, है ना, रेडी टू, या यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना, दिस टू हेयर फेस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लीजिएगा, है ना, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन डी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, 20 नंबर क्वेश्चन, है ना, चूज द करेक्ट एंटीनम, आपको यानी इसका उल्टा बताना है ना, पनिस्ट का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, तो बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, डेज डेज इज योर प्रॉब्लम, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, वेन होगा, हाउ होगा, डेट होंगे, वाट होगा, तो बच्चों बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो वाट जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, है ना, संगीता डेज टू ब्रदर्स, तो इसका आपका क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, हैज लगेंगे, हैज टू ब्रदर्स बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
23 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। चूज द आपको ऑडिट वन आउट आपको यानी चूज करना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो ठीक, इसका अगर आंसर की बात करें तो बच्चों इसका फॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप लोग का डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, वेर इट इज है ना कोडिंग डाउन आउटसाइड यू शुड है ना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना इसमें से कौन सा लगेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा है ना टेक एन अम्ब्रेला, यानी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ही वॉक है ना डेज डेज डाउन द स्ट्रीट, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपका बिल्कुल है ना फार्दर यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, वी नीड टू बाय डेज डेज बटर है ना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सम यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा, डेज डेज यू हैव है ना another cup of tea, तो यहाँ आपका थोड़ा कप हो गया सॉरी है ना another cup of tea, तो यहाँ आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। थोड़ा सा धुंधुला दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ थोड़ा मिटा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो अगर सेंटेंस नहीं समझ में आ गया तो आप लोग एबीसीडी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, तो इसका सही जवाब आपका कैन लगेंगे है ना, कैन यू हैव another cup of tea, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, ही कॉन्फिडेंट है ना डेज डेज मी, चूज द आपका सूटेबल आपका प्रीपोजिशन, सूटेबल आपको प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा यहाँ 28 का। तो 28 का अगर सूटेबल अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो यहाँ इन लगेंगे बच्चों, क्या लगेगा आपका इन लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू है ना, आई डेज डेज 30 ईयर्स ओल्ड है ना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 29 नंबर क्वेश्चन का आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम लगेगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, इंडिया विल है ना इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज है ना क्या हो जाएगा करेक्ट। तो बताइए इसका आपका चूज द करेक्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस क्या लगेगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आना चाहिए, क्या आ रहा है कि इंडिया विल है ना ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं, जो बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें बाबू है ना, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि वर्ड्स डिफरेंट है ना डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड है ना, तो चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों 31 का, ठीक है। तो 31 का अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब आप लोगों का क्या हो जाएगा है ना, ऑप्शन आपका जो होमफोन यानी बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 32, वी बोथ डेज डेज मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड है ना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, लुक होगा लुक्स अप होंगे या लुक फॉरवर्ड टू होगा या आपका लुक्स हो जाएंगे। तो बताइएगा 32 का बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, लुक फॉरवर्ड टू यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीनिंग ऑफ आ है ना बर्निंग क्वेश्चन आपको बताना इसमें से क्या लगेगा इसका 33 का। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब आप लोग का क्या आ रहा है ना, ऑप्शन आप लोग का ए बाबू बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, चूज द आपको करेक्ट है ना स्पिल्ड वर्ड बताना आपको, यानी बेनिफिट का जो है कौन सा वर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें से। अगर देखिए बीई होता है इसका क्या होता है, बीई एन ई एफ आई टी होता है, ठीक है। तो बेनिफिट होगा तो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे है ना। जोहन इज वेयरिंग द न्यू शर्ट है ना, या शर्ट लिखा हुआ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिफाई एडजेक्टिव आपको इन द सेंटेंस में एडजेक्टिव आपको जो आइडेंटिफाई करना है तो इसका क्या होगा, जोहन होगा या वेयरिंग होगा या न्यू होगा या शर्ट होंगे, तो क्या होगा इसमें से आपको यानी एडजेक्टिव आपको जो है ना क्या करना है ना आइडेंटिफाई करना है आपको। तो जल्दी बताइए 35 का आपका क्या हो जाएंगे। चलिए तो देखिए इसका अगर बात की जाए तो बच्चों इसका आइडेंटिफाई क्या होगा, न्यू जो होगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताकि नो स्नोर ना डिड द थिप सी द पुलिस डेज डेज ही रन अवे, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना इसमें से 36 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे। चलिए तो इसका अगर आंसर की बात करें तो बच्चों डैन लगेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड इट डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस है ना, तो यहां आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना इसमें से क्या लगेगा, ठीक है। 37 का आपको बताना बाबू, तो इसका सही जवाब आपका रूट लगेंगे, जो बच्चे आप लोग रूट बता रहे हैं बिल्कुल बाबू इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि चूज द आपको करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है इसका यानी फेज का, तो बताइएगा इसका सिनोनिम क्या होगा, जल्दी बताएंगे 38 का। चलिए तो बिल्कुल 38 का अगर बात की जाए तो बच्चों इसका आंसर आपका ब्रिंग लगेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द आपको करेक्ट एंटीनोम यानी उल्टा बताना आपको डेटेस्ट का, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा 39 का। तो उल्टा की अगर बात की जाए तो बच्चों लाइक हो जाएंगे है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि आई एम अफ्रेड डेट इज देयर
है ना, क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज करना बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो अगर इसका आंसर की अगर बात करें, इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो बच्चों क्या होगा, टू गो हो जाएंगे, गॉन हो जाएंगे, गो होगा ऑफ गोइंग हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, टू गो एनी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता 41, बाय द टाइम सी वाज 15 सी डेज अ फेमस सिंगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना 41 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हैड बिकम, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। व्हाट वाज द कॉज डेज डेज हिज, जो है आपको यहां क्या बताना, चूज द आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेंगे, ठीक है 42 का। तो प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ ऑफ लगेंगे इसका प्रीपोजिशन, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कि ही एंटर्ड डेज हाउस ही लिव्ड इन आ ईयर एगो, यानी टू ईयर एगो होगा, सॉरी आई थिंक मुझे लगता है टू ईयर होगा लेकिन यहाँ आपका जो नहीं दिख रहा है, ठीक है चलिए। तो ये क्या होगा, चूज द आपका आर्टिकल आपको चूज करना है, इसमें से आर्टिकल कौन सा लगेगा। तो अगर इसका आर्टिकल की बात करें तो बच्चों ये द लगेंगे, क्या लगेगा बच्चों, द लगेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही इज, है ना, अब देखिएगा ही इज क्या हो जाएगा, अबाउट हिज, है ना, ब्रॉड, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा साफ साफ। तो चूज द आपको करेक्ट, आपको मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स का आपको करेक्ट वर्ड बताना है, ये मुझे लगता है कि ब्रॉड है ना, इसका अंडरलाइन वर्ड का आपको करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। तो इसको आप लोग जो है ना, तो आप साफ नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर आप लोग क्या कर लेंगे, डी इसका जो आप लोग यानी नोट कर लीजिएगा, है ना, मीन्स ऑफ लिवहुड, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वी हैव डन, है ना, आवर जॉब डेज डेज, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 45 का बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल साफ दिख रहा होगा और अच्छे से इसका आंसर दे पाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 45 का। तो इसका सही जवाब आपका है वी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल जितने सारे बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, यू डेज डेज फॉलो द रूलर्स, है ना, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 46 का आपका जो है मस्ट लगेंगे, ठीक है, मस्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए 47 का बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आवर एग्जामिनेशन डेज द नेक्स्ट मंथ, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसमें से कौन सा राइट आंसर लगेंगे, ठीक है। तो इसका विल स्टार्ट बता रहा है ना, विल बी स्टार्टिंग हो जाएंगे या स्टार्टेड हो जाएगा, हैड स्टार्टेड हो जाएंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 47 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो बच्चों या विल स्टार्ट, यानी सही आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है आपके स्क्रीन पे, है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा 48, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहलाता है 48 में, है ना, क्वेश्चन देखिएगा, वी वेंट आउट डेज डेज द बेल रिंग, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पे यानी ऑल थाउट लगेंगे, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 49, अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ही वाज वाइज। तो आपको यहाँ चूज द आपको यानी सुटेबल कॉम्बिनेशन आपको सेंटेंस चूज करना है यहाँ इसमें। तो बताइए इसमें से कौन सा जो आपका यानी सुटेबल यानी सेंटेंस होगा, इसके बारे में बताइए 49 का। तो इसका सुटेबल सेंटेंस होगा, अली वाज वाइज यू नो टू नॉट टू इन्वेस्ट ऑल, है ना, हिज सेविंग्स। तो इसका आंसर आप लोग का ये बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 50 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है इसमें, कि राजा इज द डेज डेज डे एंड माइट। तो यहाँ आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर हम इसका आंसर की बात करें बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका, है ना, वर्किंग हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चों वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, तो आप लोगों को कितना होता है कि 100 में से आपको मात्र 50 ही आपको मार्कशीट का आंसर देना होता है। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन का तो आपको सॉल्व करके दे दिए, तो आपको क्या करना है, ये 50 में 50 आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। बाकी इसका जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो है पेपर में आपको यही ओरिजिनल पेपर ही है, तो आपको 50 ही बनाना ही है, ठीक है। तो 50 का ही आप लोग को आंसर देना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो बिल्कुल आप लोग मुझे है ना कमेंट करके बताइएगा, और साथ साथ में आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं ना। तो बाबू ये ऑरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, बस आपको कुछ नहीं करना, जाकर के एग्जाम में आपको है ना एकदम छाप देना है, ठीक है। चलिए तो डियर मुझे